आदित्रदितिरंतरिक्षमादितिर्माता सपिता सुपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्रजात्रत्वं माद्यौ शान्तिरन्तरिक्षपुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। ओम स्वस्ति श्री मन्महागणाधिपतये नमः। आप लोग दोनों रखिए। ओम लक्ष्मी नारायण आभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सती पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता प्रचंडकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिवृद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर प्लीज सर प्लीज मिस्त्री का हरि ओम मा ओम भद्रं कर्णे विश्रणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्ष मित्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्पुंसस्तनुभिर्वशेमहि देवहि तञ्जदायुः। ओम नम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्ता आसि। त्वमेव केवलं धर्ता आसि। त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि। सेक्टर में डालना है या रखना? नहीं रखना है, ऐसे कैसे खड़ा ऐसे हां। बोलिए बड़े से भगवान की जय। सतली मैया की जय। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयाल्पा गृहाण परमेश्वरः। नागिन के जोड़ा है।
Direction बदल दे बदल दी ना यार अब सही हो गया सर अब ठीक हो गया क्रॉस करना होता ना बस बाकी आप लगा दो ठीक है ऊपर से ढकवा दे सर कहाँ पे इसके सिर टॉप पंडित जी नारियल ना करवा नारियल पत्थर दो यार पड़वा दो ये रही ये कम अब यही एक मिनट आ जाए अदर में सोसाइटी सर इन्हीं की है इसी में रहते हैं ये लोग बड़े बॉय नहीं है हमारा बड़े बॉय वो कह रहे मैं रास्ते आप इधर कितनी दूर है तेरे पास पहुंच रहा बात तो हुई थी लेकिन कह रहे कि यार मैं साफ पहुंच गया तुम्हें बाबा मैंने कोई बात ही नहीं कहा था मैंने बता दो आप तो सर आपको डिस्टर्ब ना हो जाए देख लीजिएगा हाँ जी बताओ क्या आपको ਜੀ ਰੰਜਨਾ ਜੀ नमस्कार मैं मेघा रात को स्वागत करती हूँ आपका टेन न्यूज में इस समय मेरे साथ है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ नरेंद्र भूषण जी आइए बात करते हैं सर आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कार्यालय का इसके बारे में आपको आपको पता है जो ग्रेटर नोएडा शहर जो मेरे हिसाब से न केवल भारत का दुनिया के एक बेस्ट फ्यूचरिस्टिक सिटी के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है उसमें यदि उसकी ज्योग्राफी को समझते हैं पूरा ग्रेटर नोएडा शहर बस रहा है परंतु उसके दो मेजर केंद्र बिंदु विकसित हो रहे हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट और उधर जो है हमारी अथॉरिटी के बगल में उसको हम ग्रेटर नोएडा ईस्ट कहते हैं और बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इसका जिस तरह से विकास हुआ है ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक बहुत ही जो है एक क्या कहे नगरीय है एक नगर के तौर पर अपने आप में उभर कर आ रहा है ज़्यादा पॉपुलेशन इनफैक्ट इधर है तो इसलिए यहाँ के निवासियों की हमेशा से मांग थी कि इनको लगभग 25 किलोमीटर चल के हर चीज़ के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ऑफिस जाना पड़ता है उस अथॉरिटी का एक ऑफिस इधर खोला जाए उसी कड़ी में आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ग्रेटर नोएडा निवासियों की वेस्ट के निवासियों की इस मांग पर यहाँ पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का एक सेकंड कार्यालय जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट कार्यालय कहलाएगा उसका आज यहाँ पर हमने शिलान्यास किया है यहाँ पर ये कार्यालय भी पूरी तरह से सेल्फ कंटेन्ड कार्यालय होगा उसमें सीईओ भी बैठेंगे हफ्ते में एक या दो दिन परंतु बाकी जो कार्यालय हैं जो इस एरिया के कार्यालय हैं वो पूरी तरह सातों दिन 24/7 एक तरह से यहाँ पर बैठेंगे उनकी फाइल्स भी यहाँ पर होंगी उनका सब कुछ यहाँ पर होगा यहीं से वो कार्यालय संचालित होगा इनफैक्ट आप लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं जो ग्रेटर नोएडा फिर हमारा विस्तार भी आ रहा है जो ग्रेटर नोएडा के सेकंड फ्लोर
तो उस तरह से इसको मिला के ग्रेटर नोएडा के चार कार्यालय हो जाएंगे कि ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हुआ, एक उधर जो जहाँ पे हमारा अभी अथॉरिटी का कार्यालय है, जो हमारे विस्तार में दो कार्यालय आएंगे, और वो चारों कार्यालय अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट कार्यालय की तरह काम होंगे, ताकि जो एक सरकार की हमेशा मंशा होती है सरकार जनता के द्वार, जनता को ना पड़े सरकार वहां तक पहुंचे, उसी कड़ी में यहां पर ये कार्यालय का शिलान्यास हुआ है। लगभग 2.5 करोड़ की लागत से ये कार्यालय बनेगा और लगभग 6 महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे अभी उसकी जगह पे एक टेम्परेरी कार्यालय के तौर पर हर बुधवार को हम लोग यहाँ पे हमारे इंटर कॉलेज में, उसको जो है बालक इंटर कॉलेज में रोज आकर वहाँ पर बैठते हैं, परंतु ये कार्यालय और जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पास है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो भी आकांक्षाएँ हैं इस शहर के प्रति, जो उनकी इच्छाएँ हैं, जहाँ उनको लगता है ये समस्याएँ अभी दूर नहीं हुई हैं, उसके निस्तारण में ग्रेटर नोएडा के विकास में और तेजी मिलेगी। क्योंकि आपको पता है ग्रेटर नोएडा में अभी बहुत बहुत बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर आ रही हैं। अभी ग्रेटर नोएडा जो कि एयरपोर्ट में 12.5% का जिसके पास ओनरशिप है, एयरपोर्ट का आपको पता है उद्घाटन हुआ है, ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्री धड़ाधड़ रिकॉर्ड तरीके से इंडस्ट्री आती जा रही है। अभी हमने 80 प्लॉट की स्कीम निकाल ली, उसके अगेंस्ट 2000 एप्लीकेशन आई हैं, जिस तरह से पता चलता है कि निवेशकों का कितना रुझान है ग्रेटर नोएडा के प्रति। अभी कमर्शियल का एक हमने ऑक्शन किया, लगभग 45,000 की रिजर्व वैल्यू के अगेंस्ट 1,05,000 तक उसकी वैल्यू हुई, जो एक इंडिकेशन करता है कि चाहे वो निवेशक हो, चाहे जनता हो, चाहे जिन लोगों ने सपना बुना है, उन सब ने इस तरफ रुख किया है। ग्रेटर नोएडा में जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, अब मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, अब अभी हम कल ही उसकी मीटिंग की है और कल परसों उसकी बोर्ड मीटिंग की है कि ट्रांसपोर्ट हब का बहुत जल्दी से उसकी शुरुआत होगी। MD यूपी रोडवेज से हमने बात करी है, ISBT एक बनेगा, ग्रेटर नोएडा का रेलवे स्टेशन बनेगा, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें तीनों चीज़ें इंटीग्रेटेड होंगी, मेट्रो, बस और रेलवे। ये अभी तक इंडिया में ऐसा आपको टर्मिनल बहुत है नहीं कोई कि इस तरह का टर्मिनल जो है कि जहाँ पे आप ट्रेन से उतरिए 16 ट्रेनें यहाँ से चलेंगी ग्रेटर नोएडा से, जो आपकी दिल्ली कानपुर कोलकाता लाइन है उस पर ये जो है ग्रेटर नोएडा का रेलवे स्टेशन, तो ये इंडिया में अभी ये पहली एक तरह से उदाहरण होगी कि आप एक तरफ ट्रेन से उतरिए, दूसरी तरफ बस में बैठ जाइए या मेट्रो में बैठ जाइए। तो ग्रेटर नोएडा मैंने कहा जो भविष्य का एक शहर है, इस अवसर पर मैं सबसे जो ग्रेटर नोएडा निवासियों को भी उनका अभिनंदन करना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा, जो हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन देकर ऐसे शहर को बसाया है, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस अवसर पर मैं कहूँगा कि आज जो एक ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हमारे दूसरे अथॉरिटी कार्यालय की शुरुआत हुई है, उससे निश्चित तौर पर जो इसके विकास को और तेजी मिलेगी, जो यहाँ के नागरिकों की जो आकांक्षाएँ हैं, जो उनकी समस्याएँ हैं, उनका निराकरण होगा और उनकी आकांक्षाएँ उनके सपनों की और पूर्ति होगी। धन्यवाद। जय हिंद।